वरिष्ठ प्रेस फोटोग्राफर जीके गुप्ता व भोजपुरी गायक संतराज गोरखपुरी के परिजनों को सीएम योगी ने दी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। कहा, दुख हुआ, संकट में साथ खड़ी है प्रदेश सरकार। दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, महोत्सव में लोकल कलाकारों को मिला है मौका, लगे हैं विभिन्न तरह के स्टॉल। जनपद के नागरिकों से महोत्सव में आने की अपील। गोरखपुर महोत्सव 2023 में शिरकत करने गोरखपुर पहुंचे बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद गोरखपुर का तेजी से हुआ है विकास। प्रदेश में विदेश से भी हो रहा है निवेश, गोरखपुर से अन्य प्रदेशों के लिए हो रही है सीधी उड़ान, बदली है उत्तर प्रदेश की छवि। फर्जी एसडीएम बनकर जनता से ठगी करने वाले अपने दो साथियों के साथ 3 अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। कूटरजी दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन दिखाकर लोगों से रुपए हड़पने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों श्याम देई, राम सजीवन और अमित कुमार गुप्ता को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कूटरजी दस्तावेज किया बरामद, भेजा जेल। भाजपा नेता डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के लिए था प्रत्याशी। भाजपा के द्वारा वर्तमान एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अपने प्रत्याशिता को ले रहा हूं वापस, वर्तमान प्रत्याशी का करूंगा जोरदार समर्थन। अक्टूबर को ग्राम जांगीपार में हुई युवक की हत्या में शामिल 15,000 के इनामी अभियुक्त अमरनाथ निषाद को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने डॉक्टर संजय त्रिपाठी के द्वारा अपनी प्रत्याशिता वापस लेने पर उनके घर पर पहुंचकर की मुलाकात। भाजपा नेता डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने कहा, देवेंद्र प्रताप सिंह को ऐतिहासिक मतों के साथ एमएलसी बने, इसलिए इनके पक्ष में अपनी प्रत्याशिता को लिया है वापस। गोरखपुर महोत्सव में लगे विज्ञान प्रदर्शनी का प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया अवलोकन। कहा, प्रदर्शनी के माध्यम से छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मिला है अवसर। भारत शिक्षा में ही नहीं विज्ञान में भी बढ़ रहा है आगे। निषाद पार्टी के स्थापना दिवस एवं 10वें संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में 13 जनवरी को किया जाएगा भव्य रैली का आयोजन। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने दी जानकारी। गोरखपुर महोत्सव में लगे विज्ञान प्रदर्शनी का मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेबी पांडे ने फीता काटकर किया शुभारंभ। प्रदर्शनी का किया अवलोकन। का प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों का बढ़ता है ज्ञान, उनको आगे अच्छा करने की मिलती है प्रेरणा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के 6वें दिन 10 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर 12 सेट में किया नामांकन। अभी तक 21 प्रत्याशियों ने 27 सेट में किया है नामांकन। 13 जनवरी को होगा पर्चे की जांच, 16 जनवरी को होगा नाम वापसी, 30 जनवरी को होगा मतदान, 2 फरवरी को मतगणना। अवैध कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्तों बाबूलाल निषाद एवं रजत त्रिपाठी को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 240 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 1.150 किलोग्राम नौसादर व 200 ग्राम यूरिया को किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा महानगर द्वारा यंग इंडिया प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को नगद धनराशि से किया जाएगा सम्मानित। भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय वंदन मातृ परिषद ने नशा उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य कर रही पूनम सिंह को गोरखपुर ज्योति एवं कर्म योद्धा युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा कर्मयोगी सम्मान से किया सम्मानित। कहा, युवाओं को नशे जैसी बुरी व्यसनों से बाहर निकलकर समाज में आगे आने की है आवश्यकता।